हेलो एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड पार्ट चालू है। थर्ड पार्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम देखो। इफ एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देन वी हैव टू प्रो दैट वी हैव टू शो दैट डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। ये प्रॉब्लम को डायरेक्ट, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो बाय थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, वो लंबी प्रोसीजर बनेगी, उसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे किस तरह। देखो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू वाई और ये इंटू ए, लोअर स्टेप लेता हूं, अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अनदर ब्रैकेट ए अंडर रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये बन रहा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर बन गया और दिस वी राइट, एक सिंपल रूल है देखो, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी है और इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी है, तो वी राइट अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह लिख सकते क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है इसलिए लिख सकते। अगर यहाँ प्लस और माइनस साइन है तो उसका कंबाइन रूट नहीं लिख सकते, ध्यान रखो। तो ये प्रोडक्ट है तो दिस वी राइट sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, इस तरह लिख सकते इसको, ठीक है। तो अगेन एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी टाइप बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, वन होता है। सो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर रूट ऑफ वन, ये आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, उसी तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सो वी गेट एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। Now differentiate with respect to x, we get divide by dx, हाँ? यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू जीरो। ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव बनेगा जीरो, दैट इज x इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। सो x इंटू डीवाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस y, सो डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। इसको इस तरह सॉल्व करो, ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम आपका हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड बाद में लेंगे, इसको लेंगे पहले क्योंकि ये सेम ऐसे ही है, इसको भी थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, इसका भी आंसर जल्दी आ जाता है, फिर उसके बाद ये लेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम है उसको अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व होते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड वाला प्रॉब्लम, उसके बाद लेंगे सेकंड नंबर का प्रॉब्लम। यस, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन और वाई इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, देन शो दैट डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, शो करना है। इसको भी ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे टी पैरामीटर दिख रहा है आपको, बराबर है। तो अगर आप डी एक्स बाय डी टी निकालोगे फिर डीवाई बाय डी टी, वो लंबी प्रोसीजर बनेगी। यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा इसको, तो ये लंबी प्रोसीजर जाएगी। उसको सिंपलीफाई कर देते हो किस तरह सिंपल बनेगा। अभी ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टी प्लस वन टी माइनस वन अनदर ब्रैकेट टी माइनस वन टी प्लस वन। देखो दोनों ब्रैकेट ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, so we get x y is equal to one, इसको लिखेंगे number one, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, वो आ गया।
नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इजी मेथड है, नहीं तो फिर dx by dt निकालो, dy by dt then dy by dx, लंबी प्रोसीजर जाएगी, सिंपल है। अगेन लगा प्रोडक्ट रूल, लगा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अगेन x into dy by dx, x into dy by dx plus y is equal to 0, x का डेरिवेटिव हो गया 1। अभी थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इतना आंसर आना चाहिए। अब क्या करोगे, देखो ये जो x है इसको रिप्लेस करते हैं, फ्रॉम वन वी गेट x is equal to 1 upon y, x is equal to 1 upon y, देखो किस तरह अरेंज कर रहे हैं, from 1 we get x is equal to 1 upon y, so 1 upon y dy by dx plus y is equal to 0, आगे आंसर multiplying by y we get dy by dx, ये तो कैंसिल होगा और यहाँ पे बनेगा y square is equal to 0, that is अगर y square, that is अगर वही हो गया ना, y square plus dy by dx is equal to 0, इस तरह we get answer। अब बाकी प्रॉब्लम भी इसको इस तरह अरेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ अभी ये बता देता, अभी थर्ड वाला, ठीक है, तो इसको देखो जरा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अभी क्या है सेकंड नंबर का, ये भी हो गया, ये हो गया, अभी इसको लेंगे, x इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ 3t एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर cos ऑफ 3t, देन प्रूव दैट, शो दैट dy by dx is equal to minus y log x upon x log y, ठीक है, तो पहले इसको differentiate करेंगे directly, t के function है, parameter t है यहाँ पे, differentiating x and y दोनों with respect to t, ठीक है, तो here we get dx by dt is equal to derivative of e to the power sin 3t with respect to t, अब इसमें कौन सा रिजल्ट लगाओगे, e टू दी पावर t समझना है आपको, इसको t समझना है थोड़ी देर के लिए, देखो e टू दी पावर t का डेरिवेटिव, e टू दी पावर t का डेरिवेटिव बनता है e टू दी पावर t, इस तरह डेरिवेटिव बनेगा, अगर ये t नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो ऐसे समझ के करना है, e टू दी पावर t का डेरिवेटिव e टू दी पावर t मतलब sin t, e टू दी पावर t समझ लिया, इसकी इसको t समझना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये t नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव sin 3t का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज dx by dt इज इक्वल टू, ये हो गया अभी कंप्लीट, e टू दी पावर sin 3t, अब इसको देखो किस तरह, अब इसको कैसे करना है, sin t समझ के करना है, sin t का डेरिवेटिव cos t, अब इसको ऐसे करना है, sin t का डेरिवेटिव है cos t, तो थोड़ी देर के लिए इसको t समझ लो, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव, तो sin t का डेरिवेटिव बनेगा cos t, अगर ये t अगर नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, तो सेम वैसे ही है, sin 3t का डेरिवेटिव cos 3t, cos 3t फिर से इसका डेरिवेटिव 3t का, ठीक है, तो दैट इज dx by dt इज इक्वल टू e टू द पावर sin 3t cos 3t इंटू 3, 3t का डेरिवेटिव 3 हो गया, ये सामने लिख दिया, ठीक है, अब लेंगे y, नाउ y इज इक्वल टू e टू द पावर cos of 3t डिफरेंशिएटिंग, लिखा है पहले, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, dy by dt is equal to
e टू दी पावर t समझ के डेरिवेटिव निकालना है। e टू दी पावर t का डेरिवेटिव पहले इस तरह लिखना है उसको, cos 3t विथ रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर t, e टू दी पावर t बनेगा, लेकिन ये t नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव, फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है, दैट इज dy / dt इज इक्वल टू ए एज इट इज e टू दी पावर cos ऑफ 3t, डेरिवेटिव ऑफ, अब t समझ के cos t, हां cos t समझ के डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ cos t माइनस साइन टी, लेकिन ये टी नहीं है वो तो थ्री टी है, फिर से उसका डेरिवेटिव, हाँ बोलो, अब इसका डेरिवेटिव बन गया है थ्री, और ये माइनस है सामने लिख देता हूं थ्री, ये माइनस हो गया, प्रोडक्ट है ना, तो ये माइनस सामने आ गया साइन, और हाँ दिख रहा है ना, हाँ थ्री माइनस हो गया ए टू दी पावर कॉस ऑफ थ्री टी इंटू 3t का डेरिवेटिव तो लिखा ही है अपन ने, और साइन 3t, ये जो 3 है सामने लिखा और ये माइनस लिखा, ये बन गया आपका dy / dt। नाउ अब निकालना है dy / dx, सो dy / dx इज इक्वल टू, सो dy / dx इज इक्वल टू थ्योरम है dy / dt अपॉन dx by dt, अगर t पैरामीटर है तो पैरामीटर t है ना इसमें, तो dy by dt ये है माइनस 3 e टू दी पावर cos ऑफ 3t इनटू sin 3t अपॉन dx by dt, ये वाला 3 टाइम्स e टू दी पावर sin 3t इनटू cos ऑफ 3t। अब ये बन गया आपका dy by dx, अब शो दैट है तो उतना आंसर आना चाहिए जो लिखा था, देखो मिटा दिया मैंने, तो अब इसको कैसे लाओगे, देखो ये प्रॉब्लम देखो, नाउ हियर x इज इक्वल टू, ये तो dy by dx हो गया, लेकिन शो दैट जो है उतना आना चाहिए ना, x इज इक्वल टू e टू दी पावर sin 3t, therefore अगर लॉग लगा दिया, लॉग लगा दिया तो रूल ही है ना, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो लॉग लगा दिया, ये लॉग एक्स हो गया, इधर लॉग लगा दिया, ये पावर सामने आ गया, और लॉग ई का लॉग ई वन होता तो ये बनेगा ओनली साइन थ्री टी, बराबर है, और उसी तरह वाई इज इक्वल टू गिवन है आपके पास ई टू दी पावर cos of 3t, so ये बनेगा log y is equal to, log y is equal to cos 3t, समझ में आ रहा है, ये log लगा दिया, मान लीजिए रूल ही है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, log लगा दिया तो ये log y बनेगा, ये log लगाया तो ये सामने आ जाएगा, बनेगा log e one होता है, so this we write log y is equal to, now this become dy by dx, dy by dx is equal to, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस e टू दी पावर cos of 3t, ये वाला मतलब y है, और sin of 3t, sin of 3t है log x, ये हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा, e टू दी पावर sin 3t, ये वाला मतलब x, और बन गया, और बचा है cos 3t, cos 3t मतलब log y, आ गए क्या, देखो चेक कर लो एक बार चेक कर लो, आंसर चेक करो क्या शो करना था, बराबर है, यस माइनस y log x अपॉन x log y। अब लिखो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, लेट अस से नेक्स्ट प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी ला सकते हैं, जो इसके पहले का जो प्रॉब्लम लिया उस तरह, या फिर उसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिया, t पैरामीटर है तो आपको मिलेगा dx / dt और dy / dt, तो उसमें ये जो मेथड बता रहा हूँ वो इजी जाएगी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट x एंड y
विथ रेस्पेक्ट टू टी। अल्टरनेटिव मेथड भी बता दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के फंक्शन है इसलिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स बाय डी टी, डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, हाँ बोलो जरा ए एज इट इज, हाँ कॉस क्यूब टी, आपको इसको टी समझना है, डेरिवेटिव ऑफ टी टू दी पावर एन अगर है, अभी आपका वेरिएबल एक्स के जगह टी है, बाकी तो प्रोसीजर वही है, टी टू दी पावर एन है, ये पावर एन है, कॉस टी टू दी पावर थ्री है, इसको इस तरह लिख सकते हैं कॉस टी टू दी पावर थ्री, यही होगा ना। तो टी टू दी पावर टी मतलब इसको टी समझना है आपको, और टी टू दी पावर एन अगर है तो डेरिवेटिव बनता एन टी टू दी पावर एन माइनस वन, अगर ये टी नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, हाँ बोलो थ्री कॉस स्क्वायर टी सामने आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, फिर से ये टी नहीं है वो तो कॉस टी है, फिर से कॉस टी का डेरिवेटिव दैट इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू थ्री ए कॉस स्क्वायर टी और डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, ये लिखा सामने लिखा माइनस, हाँ कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ये हुआ। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, उसी तरह सो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी विथ रेस्पेक्ट टू टी दैट इज ए, हाँ बोला थ्री साइन स्क्वायर टी, फिर से साइन टी का डेरिवेटिव, टी टू दी पावर एन समझना है, टी टू दी पावर थ्री है तो थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर, लेकिन ये टी नहीं वो साइन टी है इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव दैट इज डीवाई बाय डी टी ए थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी, ये आपका डी एक्स बाई डी टी हो गया, ये डीवाई बाई डी टी हो गया, अब निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, सो डीवाई बाई डी एक्स जो थ्योरम है टी पैरामीटर है तो डीवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डीवाई बाई डी टी थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन माइनस थ्री ए इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो ये थ्री ये कैंसिल हो गया दोनों, एक साइन टी कट कर देंगे इसमें से तो ये बचेगा ओनली साइन टी, है ना स्क्वायर है ये कट हो गया, इसमें से कॉस कटेगा तो कॉस टी बचेगा कॉस टी और ये माइनस साइन है, अभी इस तरह लाना है डीवाई बाई डी एक्स शो दैट है, अब कैसे लाओगे देखो और कैसे अरेंज करता है, देखो क्या है कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, देयरफॉर कॉस टी वी गेट एक्स अपॉन ए टू द पावर वन बाय थ्री क्यूब रूट, और साइन क्यूब टी इज इक्वल टू साइन क्यूब टी इज इक्वल टू साइन क्यूब टी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, सो साइन टी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए टू द पावर वन बाय थ्री टू द पावर वन बाय थ्री, रिप्लेस कर दो यहां पे, सो डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाँ एक्स अपॉन ए टू दी पावर वन बाय थ्री, यहाँ पे वाई अपॉन ए टू दी पावर वन बाय थ्री दैट इज माइनस, गलत लिखा देखो कुछ कहीं तो भी गड़बड़ हो गई, कहा क्या लिखा साइन टी, ये है साइन टी वाई अपॉन ए है डी वाई बाय डी एक्स, साइन टी की वैल्यू है y अपॉन ए
वन बाई थ्री और ये है एक्स अपॉन ए, ठीक है। अब इसको इस तरह लिखेंगे y अपॉन ए इंटू इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे ये अपॉन x टू द पावर 1/3, समझ में आ रहा है, दोनों का सेम पावर है, कंबाइन कर दिया। सो फाइनली वी गेट dy बाय dx विच इज इक्वल टू माइनस, ये कैंसिल हो गया, y अपॉन x टू द पावर 1/3, ये आ गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x, वही हो गया, ये और ये सेम है, ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ x इज इक्वल टू 2 cos टू द पावर 4 t प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 3 टाइम्स sin टू द पावर 4 t प्लस 3 शो करना है। अब इसको यहाँ पे t पैरामीटर है तो डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt मिलेगा, dy by dt मिलेगा, उससे भी आंसर मिलेगा आपको, देन dy by dx मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और सिंपल बन जाता है, देखो किस तरह। तो हियर वी गेट x इज इक्वल टू 2 cos टू द पावर 4 t प्लस 3 है, तो दिस वी राइट cos टू द पावर 4 t प्लस 3, अरेंजमेंट देखो x अपॉन 2, ये हो गया, देयरफॉर cos स्क्वायर t प्लस 3, नोटिस पॉइंट cos स्क्वायर 3 बट दैट इज x by 2, टेकिंग स्क्वायर रूट निकाला ना, स्क्वायर रूट निकाला ना, मतलब पावर 1 बाय इसका 1 बाय 2 पावर ले लिया, स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट लेने से पावर 1 बाय 2 हो गया, तो इसका पावर 1 बाय 2 ये रूट हो गया, 1 बाय 2 मतलब ये 2 बचेगा, 4 पावर है ना स्क्वायर रूट पे। अब उसी तरह सेकंड वाला देखो, y इज इक्वल टू 3 sin टू द पावर 4 t प्लस 3, so we write sin to the power 4 t plus 3 which is equal to y upon 3, so taking square root sin square, this we write sin square t plus 3, this is sin square t plus 3 is equal to under root of y upon 3, okay, number 1, number 2, squaring and adding, identity one ray, squaring and adding, on a squaring and adding 1 and 2, squaring to already hai, adding 1 and 2, so we get cos square t plus 3 plus sin square t plus 3 which is equal to under root x upon 2 plus under root y upon 3, is tarah milega, add kar diya se, ab ye hai identity, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो गया, सो वी गेट अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा और लोअर स्टेप लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 इसको इस तरह लिखता और इसको इस तरह लिखूंगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1, ये स्टेप है। Now differentiate with respect to x, 1 by root 2 constant है as it is, और under root 2 का derivative with respect to x है 1 upon 2 under root x, ये होगा उसी तरह 1 upon under root 3 constant, root y का derivative 1 upon 2 under root y into dy by dx which is equal to 0 into dy by dx, differentiate कर दिया, थोड़ी step direct लिखे तो चला गया, इसमें derivative निकाल सकते हैं, ऐसा lower step लिख के देता हूँ, देखो किस तरह lower step कैसे लिखना है, differentiate with respect to x, so 1 by root 2 constant है, derivative of root x with respect to x systematic लिखना है, plus 1 by root 3 and derivative of under root y with respect to x which is equal to derivative of 1 with respect to x, 1 upon under root 2 or under root x ka derivative 1 upon 2 under root x plus
वन अपॉन अंडर रूट थ्री, और अंडर रूट वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई है ना और एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटू डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अरेंज करना है, इसको ट्रांसफर कर दो, वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे ही रखा वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो सर, माइनस होगा माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करके यहां लिखना है, ये ऊपर जाएगा, ये अगर ऊपर, हाँ तो अब क्या बनेगा, डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाय डी एक्स ऊपर जाएगा माइनस टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट वाई अपॉन ये इधर गया टू अंडर रूट एक्स, ये टू टू कैंसिल हो गया, दोनों का कंबाइंड रूट लिख दो, कंबाइंड लिखो थ्री वाई अपॉन टू एक्स आ रहे के देखो डिवाइड बाय डी एक्स, ये थोड़ा इजी जाएगा, कहाँ पे यस ये वाला हो गया। ठीक है,